बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो काम कर रही हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ डायरेक्ट कर रही हैं और कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के तवसुस से डीलर्स के साथ राबता रखती हैं, उन्हें स्टॉक देती हैं और मामलात को चलती हैं। इनके सिस्टम जो मुख्तलिफ कंपनियों के हैं उनके तकरीबन एक जैसे इस तरह है कि एक सिस्टम है जो मार्केटिंग का शोबा दुनिया भर की कंपनियों की तरह, इनके साथ भी ऐसा ही है। मार्केटिंग का शोबा अलहदा है और सेल्स का शोबा अलहदा है, प्लानिंग का शोबा अलहदा है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही काम चल रहा है जिस तरह दुनिया भर में चलता है, लेकिन दुनिया में जो मामलात हैं, छोटे मोटे मामलात हर कंपनी की तरह पाकिस्तान में भी हैं और कुछ में कम हैं और कुछ में ज़्यादा हैं। ये मैं आपको याद दिलाता चलूं कि एक मारूफ ब्रांड जो है उसकी मैंने तकरीबन चंद हफ्तों पहले खबर दी थी, और एक उसके साथ एक चाइनीज़ ब्रांड की भी, कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है कि कुछ गफले हुए हैं इसमें, कुछ उल्टी सीधी किसी शोबे में कोई मामलात गड़बड़ घोटाले की तरफ गए। तो उसकी तहकीकात हो रही थी और तहकीकात में ये इत्तलात भी गर्दिश कर रही हैं, सही है या गलत ये मैटर हमारा नहीं है, लेकिन जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं और मार्केट में जो अफवाहें चल रही हैं या सदाकतें चल रही हैं, ख़ास तौर पे सूबे पंजाब के अंदर आपको ऐसा ही इत्तलात मिल रही है, और जो कुछ तो है ज़माने खल्क नकारा खुदा बन चुका है। तकरीबन काफ़ी पंजाब के जो टॉप डीलर हैं, ख़ास तौर पे लाहौर के, उन्हें सब कहानी इल्म है और उसको वो दोहराते नज़र आते हैं। ये लेन देन का मामला है और ये वो, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट आता नज़र आ रहा है जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ। वो ख़बर ये है कि इत्तलात है कि जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं उसमें एक विकेट तकरीबन गिर चुकी है और इसका ऐलान नहीं किया जाएगा। उम्मीद तो ये की जा रही है कि उस विकेट को रिज़ाइन कह लें या ट्रांसफ़र कह लें या कुछ भी कह लें, उस विकेट जो है एक बड़ी अहम विकेट है। अब वो किसकी गिरती है किसकी नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो आपको जो इत्तलात गर्दिश करती हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि वो मामलात लेन देन के हैं जिसमें ये घपले हैं और बड़े पैमाने पे जो एक यानी रिपोर्ट कोट की गई है उससे कहीं गुना ज़्यादा की रिपोर्ट ख़ास शोबों में, ख़ास मामलात में गर्दिश कर रही है। अब वो तो हमारा काम नहीं है, वो तो तहकीकात जो कर रहे हैं जो इदारे हैं उनका काम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो विकेट जो गिर जाएगी उससे रिज़ाइन लिया जाएगा या उसको फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी इदारे की नेकनामी बदनामी उसके अपने इंटीरियर मैटर से चलती है। यहाँ ये भी मैं आपके गोशे गुजार कर दूं कि ये ब्रांड ज़ाती तौर पर इन दिनों सख्त मुश्किलात से दो चार है और इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी इनसे थोड़े से क्योंकि माली मामलात ऊपर नीचे हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी, और वो जो है खसारे की सरमायाकारी करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। मकसद कहने का ये है जो अंडर कट में ये भी इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि वो दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। अब कितना अंडरकट है कितना नहीं है इसके मुतालिक तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि इन दिनों मामलात थोड़े से, हमारी गुजारिश ये है कि आप अपने मामलात को डीलर्स के ज़रिए बेहतरी की तरफ लाएं और गुज़िश्ता कई महीनों से मामलात जो ऊपर नीचे हैं उसकी सेटिंग को चेक करें। हम चाहते हैं कि इदारा तरक्की करे, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर तरक्की करे, हम चाहते हैं डीलर्स तरक्की करे। हमें जो अफवाहें
हमें जो इत्तिलात हवा में गर्दिश करती हैं वो गोशे गुजार करते हैं, बहुत सारी खबरें हैं इसमें, लेकिन मैं सरसरी आपको बता रहा हूँ कि इसमें होने क्या जा रहा है। थोड़ा सा आपको भी इलम है, ख़ास तौर पे मैंने जैसे बताया इस मुल्क के जो टॉप डीलर हैं उनके मुताल्लिक, उनको भी इसके मुताल्लिक सुनगुन चल रही है। और ये नाचीज़ तो कई हफ्ते पहले ये आपको थोड़ी सी बता चुका है। और आपको इसके साथ में ये बताता चलूं कि एक और टीम आई हुई है और वो टीम भी तहकीकात कर रही है एक चाइनीज़ ब्रांड के मामलात की भी और कुछ और ब्रांड्स की भी तहकीकात शुरू होने जा रही है। ये मैं आपको हल्के हल्के समझाऊंगा बताऊंगा ताकि आप वो जो इत्तलात हैं उनके मुतालिक कुछ बेहतर फैसला करें। खबरें और बहुत सारी हैं लेकिन बाद में सुनाया जाएगा इस मामले में। जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फी अमान अल्लाह।